रिलेटेड जो स्टैटिक जीके रहता है उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं और डिस्कस करते हैं हम इनको अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एमजी एकेडमी पर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को सभी को जोड़ लीजिए जिससे कि इस वीडियो को और फ्रूटफुल बनाया जा सके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोहरी खोवर पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य से बिलोंग करती है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग जिसको जीआई टैग मिला है बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर्स है वो है मधुमेह रोगियों में निरंतर इंसुलिन वितरण के लिए इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजेल का विकास किसने किया है। तो यह किसने किया है मधुमेह रोगियों के लिए, ये जो किया ऑप्शन सी राइट रहेगा, JNCASR। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने यह किया है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उसमें है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक जहाज कोस्ट गार्ड शिप्स का क्या है शामिल किया है, बेड़े में शामिल किया है, दो जहाज ICGS टिप जिसका नाम है एंड दो इंटरसेप्टर बोट IBSC-450 and C-451 को शामिल किया है, कौन सी कमीशन को दिया है इन्होंने। तो ऑप्शन राइट रहेगा, गोवा कमीशन को इन्होंने दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किसने हल्के कार्बन फोम का विकास किया है जो लीड बैटरियों को बदल सकता है। तो हु डेवलप्ड लाइट वेट कार्बन फोम दैट कैन रिप्लेस लीड बैटरीज, लेड बैटरीज, जो लेड बैटरीज रहती है इनको बदला जा सकता है, वो किया है डेवलपमेंट इंस्पायर जो इंस्टीट्यूट है इसने यह डेवलपमेंट किया है टू चेंज द लेड बैटरीज। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए दावोस, बी जिनेवा, सी लंदन एंड डी वियना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बी जिनेवा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, तलाई रूमेल विच वाज गिवन जीआई टैग रिसेंटली इज फ्रॉम कौन से राज्य से बिलोंग करती है। तेलिया रुमाल जिसे जीआई टैग दिया गया है यह किस राज्य से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इन पार्टनरशिप विथ किसके साथ इन्होंने, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है ठीक है, टू फॉर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल नाम के प्रोग्राम की, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल नाम के प्रोग्राम की क्या क्या है इनिशिएटिव लिया है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने विद ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक के साथ मिलकर उन्होंने गोल प्रोग्राम क्या किया है स्टार्ट किया है फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ अक्रॉस एरिया। हु इज द ट्राइबल मिनिस्टर, हमने पीछे के वीडियो में डिस्कस भी है, अर्जुन मुंडा इज द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। When was the World Trade Organization? World Trade Organization का establishment कब हुआ था? तो World Trade Organization का establishment आपके सामने options हैं। Right answer जल्दी से बता दीजिए। 1980, 1984, 1991, 1995। तो C 1991 में WTO का स्थापना हुई थी World Trade Organization की। और न्यूज में क्यों है आगे क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आज हमने क्यों कवर किया है। जैसा कि आपको पता है एक न्यूज रहती है उस ऑर्गेनाइजेशन और उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी जीके के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। इसलिए अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन सब जो है जीके प्रश्नोत्तरी, जीके चैलेंज प्रश्नोत्तरी सीरीज, सभी अदर जो आपके डेली जीके शोज आते हैं उनसे अलग है। नेक्स्ट है, हु पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो G20 का जो वर्चुअल ट्रेड मीटिंग हुआ है उसके अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी निर्मला सीतारमण, सी पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। तो इसमें जो राइट रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपके सी पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड जिन्होंने क्या किया है, अभी रेजिग्नेशन दे दिया है, उनका टेन्योर एक साल का रिमेनिंग है, फिर भी उन्होंने क्या किया है, रेजिग्नेशन दे दिया है और 31 अगस्त को वो क्या करेंगे, अपना पद छोड़ देंगे। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख जो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा, रोबर्टो एजवेडो। रोबर्टो एजवेडो इज द करंट हेड ऑफ, करंट प्रेसिडेंट ऑफ WTO, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को रेजिग्नेशन के कारण खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट इज टू इंप्लीमेंट ए सेंसर बेस्ड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग सिस्टम अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन की कल भी बात की थी हमने, जेएनके ने क्या किया है, 2000 जम्मू एंड कश्मीर ने 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत क्या किया है, हर घर जल बाई नल योजना इंप्लीमेंट करने का टारगेट रखा है। तो उसी जल जीवन मिशन की बात की गई है कि तहत सेंसर आधारित सेवा कौन से राज्य में स्टार्ट की जाएगी, ऑप्शन ए राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट रहेगा, गुजरात। गुजरात के अंदर यह है जल जीवन मिशन के अंदर सेंसर बेस्ड टेक्निक यूज की जाएगी। नेक्स्ट है अंडर समर्थ एंड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, हाउ मेनी मॉड्यूल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन एनआईटी कुरुक्षेत्र। एनआईटी कुरुक्षेत्र में समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल के तहत कितने मॉड्यूल लागू किए गए हैं, 25, 30, 38 एंड 46। तो इसमें जो राइट जवाब रहेगा वो रहेगा आपके 38 मॉड्यूल जिस क्या किए गए, स्टार्ट किए गए हैं। तो जो समर्थ जो आपका पोर्टल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और पोर्टल है वो किसने स्टार्ट किया है, इट इज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। समर्थ एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग ERP अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। तो ये समर्थ जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है कौन सी मिशन के तहत है ये, तो ये NMEICT नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। एंड 38 मॉड्यूल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन NIT कुरुक्षेत्र, जिसका क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, यह 1985 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। हु लॉन्च द ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ, तो समर्थ को किसने लॉन्च किया है, समर्थ को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, अभी हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 2020 अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के लिए जो थीम था क्या था, फर्स्ट है फैमिली एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, फैमिलीज इन डेवलपमेंट, फैमिलीज एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, फैमिलीज एजुकेशन एंड वेल बींग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी आपके, फैमिलीज इन डेवलपमेंट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट है 14 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, कौन सा नंबर का जो कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है ये कौन सा था, तो ऑप्शन इसके अंदर राइट रहेगा 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मई, 5 मई, 10 मई, 15 मई, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा 15 मई, कल आपका ये सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग्स, कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग का जो थीम था वो क्या था, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का क्या विषय था, तो डिलीवरिंग, इसके अंदर जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ COVID-19 रिस्पॉन्स, COVID-19 से रिलेटेड इनका थीम था जो राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों का वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मीटिंग हुआ है 32nd जो मीटिंग था। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में मिशन जो परीक्षण हुआ है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है COBAS 6800, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, मशीन का नाम है COBAS 6800। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया,
अभी बताया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसमें पार्टिसिपेट किया था हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, भारत के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने एक नए मेलवेयर जो थ्रीट रहता है, वायरस रहता है कंप्यूटर का, उसके खिलाफ चेतावनी जारी की। उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है इवनबोट, बी निम्डा, सी ब्लास्टर एंड डी स्लेमर। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा इवनबोट। ये इवनबोट नाम का एक मेलवेयर है जिसके अगेंस्ट सीईआरटी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने क्या किया है, एक चेतावनी जारी की है। तो सीईआरटी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? सीईआरटी ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नीति आयोग के अंडर क्या करता है, वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बेसिकली इट इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया, दे डील्स विद हैकिंग, जो हैकिंग से रिलेटेड इश्यूज को देखती है, साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी इश्यू रहती है उनको ध्यान में कौन सा रखती है, सीईआरटी। सीईआरटी रिप्रेजेंट इंडिया एट द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO जो है इसके अंदर कौन अपने को जो रिप्रेजेंट करता है, सीईआरटी। SCO जो है, दिस इज द MOU साइन बाय इंडिया, अराउंड 7 कंट्रीज साइन दिस MOU, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। एंड दीज कंट्रीज दैट साइन दिस MOU आर ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल मेजर्स, सीईआरटी ऑल्सो took care of several initiative within the India, and जो main इनका program है उसका नाम है साइबर स्वच्छ केंद्र। तो ये हमें important है, ध्यान रखना है, साइबर स्वच्छ केंद्र का जो operating होता है वो सीईआरटी के through होता है, and that depends on Ministry of Electronics and Information Technology. And this, what is this साइबर स्वच्छता केंद्र? साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है? To create a secure cyber space by detecting botnet infection within the country. Country के अंदर जो viruses है उनको detect करना, main motto है cyber स्वच्छता के अंदर का। And it is operated by CRT. अभी बताया था CRT के द्वारा operate किया जाता है, according to the provision in section 70B of Information Technology Act 2000. उसके तहत cyber स्वच्छता के अंदर क्या करता है, work करता है, section 70B of आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान संपर्क रहित साबुन सहजल वितरण इकाई विकसित करता है, कॉन्टेक्टलेस सोप कम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट स्टार्ट की है? तो ऑप्शन CSIR, CCMB, CSIR, IHBT, CSIR, CRRI एंड CSIR, CMERI। तो इसमें जो राइट राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड CMERI, सेंटर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? डेली हम डिस्कस करते हैं आयुष मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक इज द करंट आयुष मिनिस्टर। किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करके गरीब और SC ST समुदायों के जीवन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी संबल योजना को फिर से शुरू किया है? तो संबल योजना कहां स्टार्ट हुई है? संबल योजना इज द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ MP गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने वापस से इसको स्टार्ट कर दिया, ऑप्शन डी इसके अंदर राइट रहेगा। वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? ऑप्शन जितेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, मनसुख मंडाविया एंड डी आर के सिंह। तो जो राइट आंसर रहेगा वो है आर के सिंह। करंट जो एनर्जी मिनिस्टर है वो कौन है? आर के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार शराब के ऑर्डर्स के लिए क्या वेबसाइट लॉन्च करनी वाली है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल इसमें राइट आंसर रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च वेबसाइट फॉर लिक्वर ऑर्डर्स, ऑर्डर के लिए क्या करेगी, वेबसाइट, ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले
याचिकाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो याचिकाएं दायर की गई थी जिनके अंदर सभी जो लिक्विड सोप है उनको बंद कराने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। उन याचिकाओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अंदर कोई भी तुक, ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं बेतुकी हैं। नेक्स्ट है, कॉम्प्रिशन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिपोर्ट ऑफ कॉम्प्रिशन फर्म, कंप्रेशन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस 6 साल बाद वापस ट्रिलियनेयर बन गए हैं। तो ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी, राइट रहेगा जेफ बेजोस। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? वन स्टेट वन गेम्स की योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय ने यह बनाई है। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPE होप पोर्टल की शुरुआत की है? होप पोर्टल शुरुआत किया गया है जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां के सीएम है, गुजरात के नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं है, केरला के नहीं है, तो कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। हो उत्तराखंड में ही यह होप पोर्टल स्टार्ट किया है जिसके तहत जो उत्तराखंड के मजदूर हैं वो तो ऐड हो सकते हैं, उसके अलावा जो प्रवासी लोग हैं वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बना जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो यह ऑप्शन जो है अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना। तो यह जो ऑर्डर पास हुआ है वो कहां हुआ है? तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर पास किया है। वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हमने आज कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसी न्यूज के कारण क्या है अभी सुर्खियों बना हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उन्होंने रॉबर्ट एजेवेडो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 31 अगस्त को उनका लास्ट वर्किंग डे होगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 1991 में ये स्टार्ट किया गया था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड रॉबर्ट एजेवेडो ने इस्तीफा दे दिया है। निम्न में से किस देश के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग बैठक में भारत ने भाग लिया? अमेरिका, जापान, रशिया एंड चाइना। तो संघाई SCO का जो मीटिंग हुआ है उसकी जो हेडशिप है वो किस कहां के विदेश मामलों के सचिव ने करी, मंत्री ने करी? तो वो है ऑप्शन रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसकी हेडशिप की जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। तो फ्रेंड्स ये था अपना 16th मई का करंट अफेयर्स शो, जिसके अंदर हम जीके चैलेंज एज लेकर के आते हैं आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। MG Academy के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स गुरु पर आप बने रहिए और सभी सेशंस का आनंद उठाइए। और अगर आपको कुछ भी कोर्सेज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए और आपकी सभी डाउट क्लियर करने के लिए तत्पर है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ